Dehi nityam vadadoyam dehi sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani natvam shochitu maharasi. Arjun, sun samajh is baat ko ke yah atma sabhi shariron mein abadhya hai. Aisa nahi ke sirf Krishna abadhya hai. Abadhya mane jisko mara nahi ja sakta. Bhagwan keh rahe hain ke jis sharir mein, jis man mein, jis buddhi ke saath tu hai Arjun, us deh, us man ka dharma hai kshatriya. Aur tere man mein jo kshatra dharma hai, kshatrarth, the warriors, you are a warrior and you cannot be without war. Ab yahan Krishna man ke tal par aa rahe hai aur wo ye kehna cha rahe hai ki hamare man ke tal par jo hamara behavior hai, jis swabhav ban jata hai man ka, aap apne us swabhav se पीछे नहीं हट सकते. आत्मा के तल पर कोई परिवर्तन नहीं है, पर मन के तल पर सबके स्वभाव अलग अलग हैं. किसी के स्वभाव में जोश है, किसी के स्वभाव में होश है, किसी के स्वभाव में लेखन है, किसी के स्वभाव में सोना है, किसी के स्वभाव में क्रिया करना है, किसी के स्वभाव में यही रुचता है कुछ करना ना पड़े. किसी के स्वभाव में है वो काम किए बगैर नहीं रह सकता, और किसी के स्वभाव में उसको तो मैं भी बोल दूं ना ये काम कर दे तो दो घंटे बाद देखूंगी तो वो काम ठीक से नहीं हुआ होगा. स्वभाव, व्हाट कैन यू डू अबाउट दैट. कृष्ण सेज जस्ट एक्सेप्ट इट, जैसे हो एक्सेप्ट कर लो. और तू स्वीकार कर अर्जुन के तेरा क्षत्रिय धर्म है, तेरे मन बुद्धि में रजोगुण है और तू युद्ध किए बगैर रह नहीं सकता. तेरा मन बुद्धि ब्राह्मण नहीं है, तेरे मन बुद्धि में निष्क्रियता नहीं है, तू कर्म किए बगैर रह नहीं सकता, तो युद्ध कर. जिसके स्वभाव में, मैं इसमें थोड़ी सी एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, जो हमारे स्वभाव होते हैं वह कंडीशनल है. परिवार, अपब्रिंगिंग, इस सब का फर्क आता है. कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये जो ढंग है वो आपके स्वभाव में अचानक से नहीं आ गए. वो पहले दिन से जो माँ की गोद में खेले हैं, जिस घर में, जिस परिवार में रहे हैं, उनके द्वारा की गई उन क्रियाओं को जाने अनजाने तुम्हारे मन ने स्वीकार कर लिया है और तुमको वो ठीक लगता है. जैसे मांस खाने वाले के घर में अगर तुम्हारी पैदाइश हो जाए और सब खा रहे हों और तुम्हारी माँ ने भी तुमको पहले जो भोजन का ग्रास है वो मांस का दिया होता तो तुम्हें मांस कभी बुरा नहीं लगता. ऐसे बैठो, ऐसे सो, ऐसे खाओ. अब कई घरों में, हर घर में आप देखिए इस तरह के भेद हमको दिखाई पड़ते हैं और बच्चे उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. हमारा आज जो स्वभाव है, हमारा आज जो प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारी चॉइसेस है, जो हमारी आदतें हैं, आर प्रेफरेंसेस, आर चॉइसेस, आर हैबिट्स, आर बिहेवियर्स, आर ऑल सोसाइटियल कंडीशनिंग. ऐसे नहीं होगा. आत्मा के तल पर कोई भेद नहीं है, पर मन के तल पर आपका समाज, माँ बाप, इन सब का एक हिस्सा है जो आपके मन में गया है. जैन घर में पैदा हो तो शाम के बाद भोजन वो खा ही नहीं सकेगा, क्योंकि जैन घरों में यही संस्कार चल रहा है कि सूर्यास्त से पूर्व भोजन हो जाए, उसके बाद तुम अगर उसे खिलाओ और उसके संस्कार आड़े आ जाए उसको वमन हो जाएगा, उसे उल्टी हो जाएगी, वो नहीं खा पाएगा, उसका शरीर स्वीकार नहीं कर पाएगा भोजन को. अर्जुन के स्वभाव में बचपन से युद्ध के संस्कार, युद्ध की ट्रेनिंग. द्रोणाचार्य से सारी शिक्षा किस बात की हुई? शस्त्रों की. किस बात की? कि हम क्षत्रिय हैं और हमारा धर्म है देश की रक्षा करना, आक्रमक दुश्मनों से इस देश को बचाना, देश के लिए मर जाना, ये तुम्हारी
अपब्रिंगिंग तुम्हारे पालन पोषण का हिस्सा है और अर्जुन अब तू शोक और आसक्ति के कारण अपने इस स्वभाव से पीछे नहीं हो सकता, तेरा धर्म है ये, दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फुलफिल इट। स्वधर्ममपि चाबेक्ष, तेरा धर्म क्या है उसको देख, अवेक्ष का अर्थ है देख, और ऐसा देखकर विकंपितुम, तुम भय को प्राप्त मत होवो। धर्म क्या है? क्षत्रिय, अपने क्षत्र धर्म को निभाओ, क्योंकि धर्मयाद्वित धर्म युक्त किए युद्ध को करना युद्धाश्रेयो श्रेष्ठ है। यह युद्ध जो है ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है, यह युद्ध धर्म का हो रहा है और तू क्षत्रिय भी है तो अपने धर्म का पालन कर और इस धर्म युद्ध में निशंक होकर कल्याणकारक कार्य को करो। You are a warrior and this war is happening for a cause. किसी कारण से हो रही। और हद की बात तो ये है, एक तरह से भगवान ये भी कह रहे हैं कि तेरी अकल क्या मेरे से ज्यादा है? हम सब सोच समझ के ही युद्ध के निर्णय को लिए हैं और अब इस युद्ध में जब पहुंच गए, how can you back off? You cannot. और पीछे हो रहे थे जिस शोक और आसक्ति के कारण, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि हमने बात स्पष्ट कर दी है, देह बदलेगी, आत्मा अपरिवर्तित है, तो शोक किस बात का? ये बात तू समझ, और अगर तुझे समझ आ गई तो युद्ध कर। देखिए, अपने व्यवहार के, अपने स्वभाव के साथ जो आपके स्वभाव के साथ जो आपका व्यवहार जुड़ा है, बड़ा मुश्किल है उस स्वभाव को परिवर्तित करना। आप अगर स्वभाव से देने में प्रसन्न होते हो तो तुम कभी जोड़ ही नहीं सकोगे, दोगे, देने में आनंद हो रहा तुमको। किसी के स्वभाव में सहजता से कार्य करना है और जो कार्य करना है उसको सक्षम और दक्षता से करना, ऐसे आदमी को तुम कहीं बैठा दो, कहीं बैठा दो, परफेक्ट काम करेगा। पर जिसके स्वभाव में नलायकी आ जाए ना, उसको कहीं बैठा दो, जो केयरलेस है, याद रहे जो केयरलेस है वो अपने दैनिक कार्यों में भी केयरलेस होगा और ध्यान पूजा करेगा तो उसमें भी केयरलेस होगा और ध्यान करेगा तो उसमें भी केयरलेस होगा और जब सत्संग सुनेगा तो उसमें भी केयरलेस होगा। जिनके स्वभाव में अशिष्टता है वो कहीं चले जाए अपनी उस अशिष्टता का प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। जैसे खुला मुंह उबासी ले रहे, समाज के कुछ नियम जिसमें शिष्टाचार और अशिष्टाचार की कुछ एक धारणाएं बन गई और ये हर समाज की अलग होती, जो हमारे यहाँ है वो अमेरिका में नहीं है, वो इंग्लैंड में नहीं है, सबकी अलग अलग। स्वभाव के विरुद्ध न जाओ, क्षत्रिय धर्म में जिसकी पालना हुई है वो युद्ध के बगैर रह नहीं सकेगा। और याद रहे जो अर्जुन कह रहा था ना पीछे, मैं क्षेत्र में चला जाऊंगा और सन्यासी हो जाऊंगा, याद रहे जिसकी रगों में वीर रस दौड़ रहा हो ऐसा आदमी अगर सन्यासी हो जाए तो वहां पर भी वो वही भुजाएं फड़का फड़का करके बात करेगा। भिक्षु तो नम्रता, और क्षत्रिय से नम्रता होगी क्या?
भिक्षु जाए भिक्षा लेने तो वो बहुत प्रेम और कोमल स्वर से कहता है नारायण हरि, और ये क्षत्रिय बन जाए सन्यासी, दरवाजा पीट के तोड़ के कहेगा ला दे। स्वभाव, स्वभाव से, मन के स्वभावों से बाहर नहीं आया जा सकता, सत्य यह भी नहीं आया जा सकता है। लेकिन अब वो एक मिनट का काम तो नहीं ना, जो जो आपकी ट्रेनिंग इतने लंबे सालों चली है वो एक क्षण में तो डिलीट होनी जाएगी, पर संभावना उसकी है डिलीट हो जाने की जो आत्मज्ञानी हो गया है और वो होश पूर्वक चाहे तो क्षण में अपने मन पर दृष्टि करे और उसकी होश बराबर उस चीज में बनी रहे तो स्वभाव बदले जा सकते हैं। पर ये फिर एक बड़ी गहरी साधना हो जाएगी, इट्स नॉट दैट ईजी टू चेंज बिहेवियर को, स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं। सो भगवान कह रहे तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म का पालन कर, युद्ध करना, और ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध का पालन करना तेरे लिए आवश्यक है। सो समझ आ गई हो सारी बात तो करो युद्ध।